प्रत्यंतर श्लोकाः श्लोक क्रमांक 103 वर्ष नंबर 103 को लाभो गुणि संगम किम सुखम प्राज्ञेतरहि संगतिः काहानि समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्वे रतिः कश्यूरो विजितेन्द्रिय प्रियतमा कानुव्रता किं धनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम् वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय लाभः कः संगमः गुणी असुखम् किं प्राज्ञ इतरैः संगतिः हानिः का समयच्युतिः का निपुणता धर्मतत्वे रतिः शूरः कः विजितेन्द्रियः प्रियतमा का अनुव्रता धनं किं विद्या सुखं किं अप्रवासगमनं राज्यं किं आज्ञाफलम् लाभ क्या है गुणियों की संगति दुख क्या है मूर्खों का संग हानि क्या है समय पर चुकना निपुणता क्या है धर्म में प्रीति शूर कौन है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है प्रियतमा कौन है जो पतिव्रता है धन क्या है विद्या सुख क्या है परदेश न जाना राज्य क्या है अपने आज्ञा का चलाना What is gain? Company of the virtuous. What is trouble? Company of fools. What is loss? Letting slip an opportunity. What is vigilance? Devoted application to the principle of righteousness. Who is valiant? He who has subdued his passions. Who is the best beloved? The faithful wife. What is wealth? Learning. What is happiness? Not going out on travels. What is royalty? The power to command. Shlok Kramanka 104, verse number 104. Malati kusumasyeva dvegati hamanasvinaha murdniva sarvalokasya shiryate vana evava vritta anushto. Anvay. मनस्विनः गति द्वे इह मालती कुसुमस्यैव सर्वलोकस्य मूर्ध्निवा शीर्यते एव वनैव मनस्वी अर्थात वीर पुरुषों की मालती के फूल की नाई दो ही गति होती है या तो वे सब लोगों के मस्तक ही पर रहते हैं सब उनका आदर करते हैं अथवा वन में ही सूख जाते हैं जंगल में जाकर शरीर त्यागते हैं द पोजिशन ऑफ द हाई माइंडेड इज टू फोल्ड एज इन द केस ऑफ द मालती फ्लावर इधर टू बी ऑन द हेड ऑफ द पीपल और टू विदर अवे इन ए फॉरेस्ट श्लोक क्रमांक 105 वर्ष नंबर 105 अप्रिय वचन दरिद्रैः प्रिय वचनाढ्यैः स्वदार परितुष्टैः परपरिवाद निवृत्तैः क्वचित् क्वचिन् मंडिता वसुधा वृत्त आर्या अन्वय वसुधा क्वचित् क्वचित् मंडिता अप्रिय वचन दरिद्रैः प्रिय वचनाढ्यैः स्वदार परितुष्टैः परपरिवाद निवृत्तैः पृथ्वी कहीं कहीं अर्थात सर्वत्र नहीं ऐसे पुरुषों से सुशोभित होती है जो प्रिय वचन की खान है जिनको अप्रिय वचन का दरिद्र है अर्थात जो अप्रिय कभी नहीं बोलते जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट है और जो दूसरों की निंदा से रहते हैं दिस वर्ल्ड इज स्पार्सली अडॉर्न्ड बाय पर्सन्स हु आर नॉट गिवन टू द यूज ऑफ हार्श लैंग्वेज बट आर फुल ऑफ एग्रीएबल स्पीच आर हैप्पी विद देयर ओन वाइव्स and are averse to speaking ill of others. Shloka Kramanka 106, verse number 106.
कदर्थि तस्यापि धैर्यवृत्तेर् न शक्यते धैर्यगुण प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि तनू न पातु नाधशिखा याति कदाचिदेव। वृत्त उपजाति। अन्वय। धैर्यवृत्ते धैर्यगुण कदर्थि तस्य अपि प्रमार्ष्टुम् न हि शक्यते तदूनपातः अधोमुखस्य शिखा अपि पदः कदाचिदेव न याति। धैर्यवान पुरुष कैसे ही कष्ट में क्यों न पड़े परंतु उसका धीरज धैर्य का गुण नष्ट नहीं हो सकता। प्रज्वलित अग्नि को उलट देने पर भी उसकी ज्वाला नीचे की ओर कभी भी नहीं जाती। It is not possible to obliterate the virtue of constancy of a far-minded man, however distressed he may be. Never does the flame turn downwards, even if the torch were held pointing towards the ground. Shloka Kramanka 107, verse number 107. Kanta Kataksha Vishika Nalunanti Yasya चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशैर् लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। वृत्त वसंत तिलका। अन्वय। यस्य चित्तम कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तम कोप कृशानुतापः न निर्दहति भूरि विषयाः च लोभपाशैः न कर्षन्ति स धीरः लोकत्रयम् इदं कृत्स्नं जगति। वह धैर्यवान पुरुष तीनों लोक को जीतता है जिसके हृदय को स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष नहीं छेदते, जिससे चित्त को क्रोध रूपी अग्नि की आंच नहीं जलाती और न तो नाना प्रकार के विषय ही लोभ के फंदे में फंसा कर खींचते हैं। That firm man whose mind is neither pierced by the arrows shot from the glances of women, nor consumed by the fire of anger, nor ensnared in the net of covetousness by numerous mundane objects, predominates everywhere in the three worlds. Shloka Kramanka 108, verse number 108. Ekenapahi shurena padakrantam mahitalam kriyate bhaskareneva sparaspurita tejasa. Vritta anushtu. Anvay. Ekena shurena api mahitalam hi padakrantam भास्करेण स्फारस्फुरित तेजसा इव क्रियते। जिस प्रकार सूर्य अपने देदीप्यमान तेज से सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही शूर पृथ्वी तल को अपने पराक्रम से पांव तले दबा लेता है, अर्थात वश में कर लेता है। The whole world is brought under full control by one single brave individual, just like the sun who sheds abundance of refulgent light. Shloka Kramanka 109, verse number 109. Vanistasya jalayate jalanide kulyayate tatkshanan merusvalpashilayate mrugapate sadyakurangayate vyalo malyagunayate visharasa पीयूष वर्षायते यस्यांगे किल लोक वल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय। क्षणात् जलायते वन्नी जलनिधि कुल्यायते मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालः माल्यगुणायते विषरसः पीयूष वर्षायते तत् यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। जिस पुरुष के अंग में संपूर्ण जगत को मोहने वाला शील विद्यमान है, उसको अग्नि जल के समान, समुद्र अल्प नदी के समान, मेरु पर्वत
छोटी सी पहाड़ी के समान, सिंह मृग के समान, सर्प पुष्पमाला के समान और विष भी अमृत की वर्षा के समान ज्ञात होता है। In the moment, fire becomes as cool as water, the mighty ocean no more than a rivulet, the Mount Meru only a small stone, the lion becomes as harmless as an antelope, the serpent a mere garland of flowers, a poisonous fluid but nectar for one who leads a virtuous life which becomes extremely agreeable to the whole world. श्लोक क्रमांक 110 वर्ष नंबर 110। लज्जा गुणौग जननीम जननीमिव स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदया मनुवर्तमानाम् तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् वृत्त वसंत तिलका इति श्रीमद् भर्तृहरि विरचितम् नीतिशतकम् समाप्तम्। अन्वय लज्जा गुण औग जननीम अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम स्वाम जननीम इव तेजस्विनः सत्यव्रत व्यसनिनः असून अपि सुखं संत्यजन्ति न प्रतिज्ञाम पुनः। लज्जा इत्यादि गुणों के समुदाय को उत्पन्न करने वाली और अपनी जननी के समान शुद्ध हृदय और स्वाधीन रहने वाली प्रतिज्ञा को सत्यव्रत को धारण करने वाले तेजस्वी मनुष्य कदापि नहीं छोड़ते परंतु अपना प्राण भी सुख से त्याग देते हैं। स्पिरिटेड मैन हु आर डिवोटेड टू द रेजोल्यूशन ऑफ बीइंग ट्रूथफुल readily give up even their life rather than swerve from their word, which to them is like their own mother who instills the sense of shame and various other qualities in their minds, is perfectly pure-hearted and wholly devoted to them. Thus ends the Niti Shatak composed by Bhartruhari. Narrated by Sundar Hatangri, Michigan, USA. Kathakathankar Sundar Hatangri, Uttar America.